कर्म ही पूजा है। ये वाक्य अपने स्कूल और विद्यार्थी जीवन में पढ़ा ही होगा और इसका अर्थ भी आपको भली भांति मालूम होगा। गीता में भी कर्म को जानने की बात कही गई है। गीता में भी लिखा है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कर्म योग का ही उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा था कि जिस तरह पूजा अर्चना और ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसी तरह मनुष्य को यश वैभव और सफलता तभी मिलती है जब वे श्रम को पूजा की तरह मानता है। जी हाँ, हम इसी कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म ही पूजा है। अगर ये वाक्य कहीं सटीक बैठता है तो वो है चंडीगढ़ की लेडी सिंघम। ये सुनकर आप सोच में जरूर पड़ेंगे कि ये लेडी सिंघम आखिर हैं कौन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की पुलिस की महिला कांस्टेबल प्रियंका की। प्रियंका को अपने काम से इतना लगाव है कि किसी भी चीज के लिए काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, चाहे उसका बच्चा ही क्यों ना हो। बच्चा ही क्यों ना हो, सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि फैमिली के लिए भी प्रियंका के पास समय नहीं। लेकिन ये प्रियंका का स्वार्थ नहीं बल्कि देश सेवा का जज्बा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि चंडीगढ़ की ये महिला कांस्टेबल किस तरह बच्चे को गोद में रखकर ट्रैफिक लाइट्स पर अपनी ड्यूटी पर डटी रहती हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। अरे मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं। इन्हीं का बच्चा है ये भाई। आज थोड़ा सा आज वीडियो शुक्रवार सुबह 11 बजे का है, जब चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की महिला कांस्टेबल प्रियंका चंडीगढ़ के सेक्टर 15-23 चौक पर अपने एक साल के बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी करती हुई नजर आई। प्रियंका का कहना है कि उनका बच्चा छोटा है जो घर पर नहीं रह पाता है। अक्सर उनके पति या परिवार वाले बच्चे को लेकर उनकी ड्यूटी वाली जगह आ जाते हैं। बच्चा अगर रोता है तो वे कुछ समय के लिए गोद में उठा लेते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं बरतती। वाकई प्रियंका के जज्बे को सभी का सलाम।